एमपी में एक और लेडी अफसर ने दिया इस्तीफा, महिला तहसीलदार है, नाम अमिता सिंह तोमर है। आपको बता दूं इससे पहले निशा बांगरे चर्चा में आई थी, जो डिप्टी कलेक्टर थे, इस्तीफा दिया था और उनका गुस्सा निकला था। लेकिन ये बहुत चर्चित है, अमिता सिंह तोमर श्योपुर जिले में भू अभिलेख विभाग में पदस्थ थी, तहसीलदार का प्रभार इनको नहीं मिला तो फिर इनका गुस्सा निकला और इन्होंने कलेक्टर को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में इन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे जो जूनियर है उनको दिया गया है प्रभार, इनको प्रभार नहीं दिया गया है। अमिता सिंह एक वजह से और मध्य प्रदेश में सुर्खियों में आई थी। आपको बता दूं ये वही अमिता सिंह है जिन्होंने 2011 में KBC के सीजन 4 में 50 लाख रुपए जीते थे, उस समय बहुत सुर्खियों में आई थी। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि एक बार निलंबित भी हो चुकी है क्योंकि एक इनकी टिप्पणी थी जिसे बड़े अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ माना था। फिलहाल इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफे में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, इस्तीफे में लिखा है त्यागपत्र में कि उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की जा रही है, तहसीलदार की गरिमा का अनादर किया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नायब तहसीलदारों अधीक्षक भू अभिलेख को लगातार तहसीलदार का प्रभार दिया जा रहा है। उन्हें पहले तहसीलदार बनाया जाना था लेकिन उन्हें अधीक्षक भू अभिलेख बना के रखा गया। उन्होंने लिखा है कि लगातार 5 वर्ष से मेरा तिरस्कार और अपमान हो रहा है, कनिष्ठों को अपने से ऊपर देखकर मुझे मानसिक वेदना है। नए कलेक्टर के आने से मुझे इस बार लग रहा था कि तहसीलदार बनाया जाएगा लेकिन इस बार भी मेरा अपमान किया गया, इसलिए शासकीय नौकरी से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। अब आपको बताते हैं कि ये इस्तीफा तो आपने देख लिया लेकिन इस्तीफे के बाद जो होता है कि हम आपको प्रतिक्रिया भी सुनवाते अमिता सिंह, उनका क्या कहना था। लेकिन उनका ये कहना था हमारे संवाददाता ने, कलेक्टर और जो तहसीलदार जिन्होंने इस्तीफा, दोनों से फोन पर बात की, उनका ये कहना था फोन पर जो महिला तहसीलदार है कि मेरा त्याग पत्र जो है उसको ही आप मेरी बाइट यानी प्रतिक्रिया समझे। कलेक्टर साहब से जब बात हुई हमारे संवाददाता की तो संवाददाता से कलेक्टर साहब का ये कहना था कि मुझे इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, यानी अभी भी मामला इस तरीके से लग रहा है कि बड़े अधिकारी इस चीज को बड़ा रूप नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एक लेडी अफसर का ये इस्तीफा है। अमिता सिंह को पहले निलंबित किया गया था और वो आपको बता दूं कि पीएम मोदी तक को पत्र लिख चुकी थी अपनी उपेक्षा के चलते। एक बार फिर चर्चा में है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार उन्होंने सीधे कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं और महिला तहसीलदार को प्रभार नहीं मिला तहसीलदार का, जिसकी वजह से उनका गुस्सा निकला है। सुर्खियों में रहती है अमिता सिंह, पहले मैंने आपको बताया KBC 4 में जीत चुकी हैं लेकिन इस बार उनकी जो वजह है प्रभार ना मिलने की वजह से सामने आ रही है जिसके चलते उनका ये गुस्सा निकला है। मध्य प्रदेश में एक और लेडी अफसर के इस्तीफे के बाद चर्चा जरूर हो गई, सुर्खियों में खबर आ गई है और वजह अब आगे पता चलेगी और क्या क्या इस्तीफा स्वीकार लिया जाता है इनका, क्या बड़े अधिकारी कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते रहे अभी तक, श्योपुर से खेमराज दुबे ने आप तक की खबर पहुंचाई।